असम के तेजपुर से हम तवांग जा रहे थे और तवांग की करीब दूरी जो है करीब करीब 280 किलोमीटर है। पहले हम हेलीकॉप्टर से जा रहे थे लेकिन अगर हम लोग दिखाएं लेकिन हेलीकॉप्टर से इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि मौसम पूरा पैक था, वेदर पैक था। और पैक क्यों है देखिए, ऊपर देखेंगे कैमरामैन वेद पांडे दिखाएंगे तो ऊपर पूरा जो बादल आए हुए हैं इसके चलते ही यहाँ से जो हेलीकॉप्टर की जो ऑपरेशंस होते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है उनको करना, और इसीलिए जो आवाजाही है हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो भी बहुत ये जो है उसमें रुकावट आती है, बाधित हो जाती है। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सड़क के रास्ते, यहाँ से जाएंगे तवांग जाएंगे। पहले टेंगा पड़ेगा रास्ते में 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर, और फिर उसके बाद जाएंगे तवांग यहाँ से, और फिर जानेंगे वहाँ पर भारत और चीन के बीच में जो LAC पर जो विवाद चल रहा है और भारतीय सेना की किस तरह की तैयारियाँ हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर। इस वक्त हम LAC के जीरो पॉइंट पर है और सामने जो दिखाई दे रहा है, जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, दरअसल ये आखिरी पॉइंट है। वहाँ पर जो सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं कैमरामैन विद पांडे दिखाएंगे, ये आखिरी पॉइंट है। दूसरी तरफ चीन की सीमा है और अगर हम लोग देखेंगे तो अभी फॉग थोड़ा सा आ गया है, मौसम क्योंकि ख़राब है इसलिए चीनी सेना की जो पोस्ट है वो यहाँ से नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर मौसम साफ होता तो साफ तौर पर देख सकते थे। और अगर ये देखेंगे ये वाला जो ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है यहाँ से हमारी पेट्रोलिंग जाती है, भारतीय सेना की पेट्रोलिंग यहाँ से जाती है ऐसे करके, और वो आखिरी जाके में पीले रंग की अगर रॉक दिखाई दे रही है जहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं और वहाँ पर जाकर आखिरी भारतीय सेना की और चीनी सेना की पेट्रोलिंग वो सामने से आती है, जहाँ पर ब्लू बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो वहाँ से आती है इस तरह से, और यहाँ पर आकर दोनों की मुलाकात होती है इस जगह पर आकर। इसके आगे ना भारतीय सेना जाती है ना उसके इधर चीनी सेना आती है, तो ये पूरा पेट्रोलिंग यहाँ पर इन पूरी पहाड़ियों में यहाँ पर होती है ताकि जो चीनी सेना जो है, भारतीय सेना की कोशिश रहती है कि चीनी सेना जो भारतीय सेना की जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हालांकि अलग अलग परसेप्शन है दोनों देशों की सेनाओं की, लेकिन वो वहाँ पर उसकी सैंक्टिटी बनी रहे उसके इधर दूसरी तरफ कोशिश ना करें आने के लिए, उसके लिए ही यहाँ पर ये इस तरह की पेट्रोलिंग होती है। ABP News आपको रखे आगे।